हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डीके एडवेंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल का आइकन जिससे मिल सके आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, तो आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय महिला ने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में किस महिला ने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है आपका मैरी कॉम ने। आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ये मैरी कॉम ने 6वां गोल्ड मेडल जीता है, इससे पहले वे 5 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आपका वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन मुंबई शहर में आयोजित किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जब मुंबई की बात आई है तो मुंबई किसकी कैपिटल है? मुंबई है महाराष्ट्र की कैपिटल। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं विद्यासागर राव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 13वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में 13वां G20 शिखर सम्मेलन अर्जेंटीना में आयोजित किया गया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो अर्जेंटीना की बात आई है तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और करेंसी है अर्जेंटाइन पेसो और वहां के प्रेसिडेंट है मॉरिसियो मैक्री। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका भारतीय आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। जब बात हिमाचल प्रदेश की आई है तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 दिवसीय संयुक्त अभ्यास कोप इंडिया 2019 किस राज्य में किया जाएगा? तो आपका यह किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जब बात पश्चिम बंगाल की आई है तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल चीफ मिनिस्टर, तो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर, तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा अनुमूल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा अनुमूल दिवस मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौभाग्य योजना के तहत भारत के कितने राज्यों ने 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? तो सौभाग्य योजना के तहत 8 राज्यों ने विद्युतीकरण 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से? तो ये 8 राज्य हैं मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना और आपका पश्चिम बंगाल है। और इस सौभाग्य योजना का अनाउंस हुआ था आपका सितंबर 2017 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स अमेरिका टेक की शीर्ष में 50 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल की गई हैं? तो ये आपका आंसर 4 है, यानी आपकी इसमें 4 महिला शामिल की गई हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो ये 4 महिला कौन कौन सी हैं? तो ये है नेहा नारखेड़े, कामची शिवराम कृष्णन और पद्मश्री वॉरियर और कोमल मंगलानी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झारखंड सरकार ने कितने लाख किसानों को मुफ्त में झारखंड सरकार कितने लाख किसानों को मुफ्त में मोबाइल फ़ोन देगी? तो झारखंड सरकार 28 लाख किसानों को मुफ्त में मोबाइल फ़ोन देगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो झारखंड की बात आई है तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर है रघुदास। और झारखंड के गवर्नर कौन है? तो झारखंड के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2019 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो आपके गणतंत्र दिवस परेड 2019 के मुख्य अतिथि होंगे सिरिल रामफोसा। और ये सिरिल रामफोसा कौन है? तो ये हैं आपके साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। जब बात साउथ अफ्रीका की आई है तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? तो साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल होती हैं। आपकी फर्स्ट कैपिटल होती है प्रिटोरिया, जो आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है।
सेकंड कैपिटल है आपकी केपटाउन, जो आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और थर्ड कैपिटल आपकी ब्लोमफोंटेन, जो आपकी जुडिशियल कैपिटल है, और आपकी साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या होती है, तो इसकी करेंसी होती है रैंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, मथुरा, कुरुक्षेत्र, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आप ज़रूर से कमेंट करें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप इसका PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और देखते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर, आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। तो हाल ही में NSDC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है AM नाइक को। तो NSDC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो NSDC की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।